तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बाइनेंस लेवरेज टोकन। लेवरेज टोकन बाइनेंस में एक साल पहले इंट्रोड्यूस हुआ था अराउंड, और हम आज इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि फ्यूचर में मार्जिन अगर मेंटेन नहीं होता है तो पूरा का पूरा अकाउंट लिक्विडेट हो जाता है। तो उससे हम बचने के लिए लेवरेज टोकन का यूज़ करेंगे। बाइनेंस बेटर है क्योंकि उसमें आपको 4x तक का लेवरेज आता है और वो रीबैलेंस करते हैं अगर बहुत ज़्यादा मार्केट वॉलेटाइल होता है या जो नॉर्मल रेंज है उससे क्रॉस करता है, और फिर रीबैलेंसिंग की वजह से आपकी NAV जीरो नहीं होती है। बाकी अगर FTX पे आप ट्राई करोगे तो मे बी हो सकता है कि वहाँ पे जल्दी हो जाए। अब हम कैसे करते हैं एक बार आओ स्कीम में देखते हैं ना। ये बाइनेंस अकाउंट ओपन कर लेना है, मैंने कर लिया है। मार्केट पे जाओगे, यहाँ पे आप जनरली जो होते हो स्पॉट में ही दिखता है। आपको यहाँ पे जोन में जाना है, जोन में ये ETF की कैटेगरी है। ETF में आपको सारे मिल जाएंगे जो लेवरेज टोकन होते हैं। अप डाउन दो चीज़ होता है, आप अगर आप अप क्लियर करते हो तो आपको अप बाई करना है, या डाउन में जाना है तो आप डाउन कर सकते हो। और ये PRX उसके फ्यूचर के परपेचुअल को शो करता है, इथेरियम TRX, ये आपको समझ में आ गया होगा। टोटल राउंड 8 हैं अप एंड डाउन के, सेम सेम जैसे अडा का अप होगा अडा का डाउन होगा, सेम है 8-8। तो सपोज आपको कोई भी करना है, अब सपोज एग्जांपल लेते हैं .com अप करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको बाई क्लिक करना है। अभी अगर आपने लेवरेज टोकन पहले नहीं किया तो क्वेश्चनेयर आपको करना होगा। अगर आपको आंसर नहीं है तो पहले बार आप राउंड सबमिट करके देख लेना सारे आंसर और फिर आप करेक्ट कर लेना। सपोज मैं यहाँ पे अराउंड 7 डाल देता हूँ या 8 डाल देता हूँ या जितना भी, मैं यहाँ पे 10 बाई कर सकता हूँ तो 1.4 कर देते हैं। और ये बाई डॉट अप जाएगा और ये बॉट हो जाएगा इस प्राइस पे, जब यहाँ पे लिमिट ऑर्डर डाल दो लिमिट ऑर्डर पे हिट हो जाएगा। ये आपको स्पॉट में देखिएगा, आप सेल कर सकते हो इमीडिएटली। इसमें दो टाइप की फ़ीस लगती है, फंडिंग रेट और ये अपना मैनेजमेंट फीस। फंडिंग रेट अपना जैसे उसमें लगता था फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में, जो कि बायर और सेलर के बीच में आपस में कंट्रीब्यूटर और मैनेजमेंट फीस बाइनेंस को जाएगा। तो ये इतना ही सिंपल है। तो इसमें आप लिक्विडेशन से बच सकते हो और वॉलेटिलिटी का फ़ायदा उठा सकते हो।